नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। आज दिन का मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के TNB कॉलेज पर साल में 2 दिवसीय प्रॉपर्टी वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस नेक टीम द्वारा 2 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन सामूहिक रूप से सभी पदाधिकारियों ने मिलकर दीप प्रज्वलन कर किया। इस कार्यक्रम में उपस्थित थे प्रोफेसर AN राय, प्रोफेसर AK राय, प्रोफेसर NK यादव, साथ ही तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर नीलिमा गुप्ता, साथ ही साथ प्रोफेसर डॉक्टर SK चौधरी आदि। इस कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन के बाद सबों ने अपनी अपनी बातों को प्रशाल में एक एक कर रखा। साथ ही साथ जितने भी विषय के विभाग अध्यक्ष थे सभी इस प्रशाल में उपस्थित थे। कई बिंदुओं पर इस 2 दिवसीय प्रॉपर्टी वर्कशॉप में वार्ता हुई। कई बिंदुओं को अपने पदाधिकारियों ने रखा, कई बिंदुओं को अपने विषय के विभाग अध्यक्ष ने रखा। यह कार्यक्रम 31 अगस्त से 1 सितंबर तक होना है। इस 2 दिवसीय नेक टीम के कार्यशाला से कई छात्रों के हित में की गई बातों को जल्द से जल्द कागज के बाद अब जमीन पर उतारने की बात हुई। साथ ही इस नेक टीम ने ऐसे कई मुद्दों को कार्यशाला में रखा जिसके शिक्षक और छात्र के बीच अच्छा सामंजस्य बन सके, और साथ ही साथ पाठ्यक्रम पर भी बल दिया गया। सेशन बहुत ज़्यादा विलंब हो जाने के कारण छात्र काफ़ी मायूस होते हैं, उस पर विशेष रूप से गहन चिंतन किया गया।